शंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बधा जी के अति अश्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, आगम ग्रंथों में आचार्य संबंधबद्ध गुरुदेव जिन्होंने रत्नकरंडक सावकाचार नामक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने एक कारिका लिखी है। कारिका में आचार्य भगवंत ने कहा है कि जो चार प्रकार के अनुयोग हैं जैन दर्शन के, ये चारों अनुयोग कैसे हैं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्। जैसा सर्वज्ञ ने देखा है ठीक वैसा का वैसा ही लिखा गया है, इसमें तनिक भी हेर फेर नहीं है, किसी छद्मस्त की वाणी को सोच को स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमने कोई चीज़ अच्छी लगी या फिर हमारा चिंतन बहुत अच्छा रहा तो हमने उसको किताब बना दी और उस किताब को ग्रंथ की या अनुयोग की उपमा दे दी गई, ऐसा नहीं। गुरुदेव स्वयं जिस ग्रंथों को लिखते हैं वे ग्रंथ आगम की श्रेणी में नहीं आते, वे सारे के सारे ग्रंथ किसी भी मुनि महाराज के द्वारा लिखी हुई कोई भी देशना हो, कोई भी सूत्र हो, कोई भी श्लोक हो, कोई भी कारिका हो, आज वर्तमान में जितने भी साहित्य की रचना हो रही है वे सारे के सारे ग्रंथ साहित्य की श्रेणी में आते हैं, आगम की श्रेणी में नहीं आते। आगम में और साहित्य में अंतर होता है। कोई पंचम काल का साधु अपनी प्रखर मेघा का उपयोग करके और किसी साहित्य के कारण किसी ग्रंथ की रचना करे, वह ग्रंथ साहित्य की श्रेणी में आता है, आगम की श्रेणी में नहीं आता। और आगम के लिए आचार्य संबंधबद्ध गुरुदेव ने चारों अनुयोग के लिए कहा है, चाहे वो प्रथमानुयोग हो, करणानुयोग हो, चरणानुयोग हो या द्रव्यानुयोग हो, आत्मा का विषय हो, भूगोल का विषय हो, चारित्र की बात हो या फिर आध्यात्मिक गाथाओं या कहानियों के माध्यम से पूर्व के इतिहास को देख करके अपने अंतर्मन में संवेग और वैराग्य पैदा करने वाली बात हो, उन सारी चीज़ों के लिए आचार्य संबंध गुरुदेव ने कहा कि याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्। जैसा मैंने देखा है, जैसा सर्वज्ञ ने देखा है, जैसा गणधर ने सुना है, वही के वही शब्द उठा करके आगम में रख दिए गए। ये बात पहले अंतर तक बैठ जाए, फिर मैं जो कथानक कहने के लिए आज मन बना करके आया हूँ उस कथानक में जीने का आपको आनंद आएगा। सबसे पहले ये बात बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि जो बात कही जा रही है याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्, इसमें कोई विपरीतता नहीं है, तो फिर मेरे उस कथानक को सुनने पर आपको उसके गंभीर और उसके रस को लेने में आनंद आएगा। एक चित्रकार है, आगम की एक बहुत गहरी कहानी है, धीरे धीरे आपको उसमें आनंद आना शुरू होगा। बंधु एक चित्रकार है, चित्रकारी करते 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 अपने पूरे के पूरे रंगों को जब वो कैनवास पर उतार रहा था, रोज एक नया चित्र बनाता था। वो नया चित्र बनाते बनाते जब वो थक जाता था और दिन भर में
उसके चित्र की पूर्णता प्राप्त नहीं होती थी, पूरा दिन निकल जाता था। उसके मन के अंदर बार बार ये बात आती थी कि कोई ऐसा मंत्र होता, उस मंत्र के माध्यम से मैं ऐसी कोई सिद्धि को प्राप्त कर लेता कि जिस सिद्धि से मैं अपनी तूलिका उठाऊं, उठा करके चित्र पर रखूं और चित्र स्वयमेव अपने आप कुछ ही देर पर हूबहू जैसा मैं सोचता हूं वैसा अंकित हो जाए। ऐसा वो चित्रकार सोचता था। नाम था उसका भरत, चित्रकार का नाम। बार बार सोचता था। एक दिन ऐसा हुआ सुयोग कि उसको किसी गुरुओं की सहायता से एक मंत्र मिल गया। मंत्र को बैठ करके विधि पूर्वक जब उसने मंत्र की साधना में उतरा, गृहस्थ है, साधु की बात नहीं कर रहा हूं, गृहस्थ है सामान्य सा, जैसे आप रहते हैं ऐसा ही गृहस्थ। लेकिन मन के अंदर जब वो भाव खड़ा हुआ कि काश कोई ऐसी विद्या होती, कोई ऐसा मंत्र सिद्ध होता कि उस मंत्र को सिद्ध करके मैं तूलिका सिर्फ हाथ में उठा करके सिर्फ कागज पे लगाता और तूलिका स्वयमेव अपना चित्र कुछ ही देर में बना देती। जब ये विचार उसके मन के अंदर आया तो उसने सुयोग पाकर के एक मंत्र सिद्ध कर लिया। याथातथ्यम बिना च विपरीतात्। अगर ये शब्द हम अंदर तक बैठा करके समझ रहे हों तो फिर सर्वज्ञ की देशना से निश्चित वे शब्द जो कह रहे हैं कि एक गृहस्थ को विधि पूर्वक आराधना करने पर आज भी मंत्र की सिद्धियां हो सकती हैं। हमको लगता है कि सिद्धियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के समव शरण रचने के बाद की घटना है बंधु, जब इसी काल की घटना है। उसमें महाराज क्षेणिक भी हैं, उसमें और भी नए अधिकतम अभिनव पात्र भी हैं। उसमें इसी वक्त में, आज से सिर्फ 2,500 साल पहले की बात बता रहा हूं, कि उस चित्रकार को एक मंत्र सिद्ध हो गया। आज भी बहुत सारे गुनिया लोग रहते हैं, उनको मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मत के साधु रहते हैं, उनके पास भी मंत्र की सिद्धियां रहती हैं। मंत्र सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक गृहस्थ बहुत आसानी से उन मंत्रों की सिद्धि करके अपने घर के दूसरे कर्तव्यों को भी अनुकूल कर सकता है। भरत ने सोचा कि अगर एक मंत्र सिद्ध हो जाता तो कितना अच्छा रहता। दैव योग से गुरु मिले, गुरु से मंत्र मिला और साधना पर चित्रकारी की कलम को छोड़ करके उसने माला उठा ली और माला का सहारा लेकर के उसने मंत्र की सिद्धि करी। जितने भी तीर्थंकरों के आप नाम सुनते हैं, ये तीर्थंकरों के सारे तीर्थंकरों के नाम सिद्धार्थ होते हैं। सिद्धार्थ का मतलब है कि जैसा नाम है वैसा वो काम करने की क्षमता भी रखता है। संभवनाथ भगवान का नाम जैसे संभव है, तो संभवनाथ स्वामी की माला फेरने पर असंभव कार्य भी संभव होते हैं। ये बात संभवनाथ तीर्थंकर के उस नाम को बताया जा रहा है। हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के नाम में और स्थापना में अंतर होता है। बच्चे का नाम अरिहंत रखा है लेकिन काम दुर्योधन जैसा करता है। तो ये फर्क तीर्थंकरों के शब्दों और तीर्थंकरों के जीवन पर नहीं घटित होता। उनके नाम वैसे ही होते हैं जैसे उनमें कार्य करने की क्षमता होती है। तो वहां पर 24 तीर्थंकरों की शक्तियां आपके जीवन में है। आप चाहें तो खुद मंत्र के निर्माता बन सकते हैं। आप चाहें तो खुद मंत्र के स्रष्टा बन करके, मंत्र की आराधना करके आज भी कई सिद्धियों की प्राप्ति भी कर सकते हैं बंधुओं। विधि पूर्वक गुरु की आज्ञा लेकर के, गुरु से गुरु मंत्र लेकर के जिन साधकों ने भी कदम बढ़ाया है उन साधकों को मंत्र की सिद्धियां अवश्य हुई हैं। उस भरत को मंत्र की सिद्धि हो गई। अब वो भरत कुछ भी चीज आंख बंद करके सोचता, सोचने के बाद कलम उठाता, पर्वत सोचा उसने गहरा नीला, जो भी उसके आंख बंद करने में उसको समझ में आया उसने उस कागज पर उतार दिया। कागज पर धीरे 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 उतारते उतारते जब इंसान की जगह शक्तियां काम करती हों
तो फिर शक्तियों का प्रभाव अपने आप दूरगामी होता है। जैसे बन्ना जी के अश्वकारिषि अजितनाथ जी भगवान हैं, उनके सामने शांति धारा अभिषेक करने की शक्ति आज विश्वविख्यात है। शक्तियाँ पहले भी थीं लेकिन लोग जानते नहीं थे, आज जानते हैं। तो पूरी दुनिया का आदमी अजितनाथ भगवान के दरबार पर शांति धारा अभिषेक करने के लिए दूर दूर से कष्ट सह करके भी पधारता है। और उसके मन के अंदर, माँ बहनों के मन के अंदर तो ये भाव हमेशा रहता है कि मुझे सिद्ध प्रतिमा के दर्शन तो करने ही हैं, जिनके ऊपर शांति धारा अभिषेक करने पर इस तरीके का अभूतपूर्व लाभ जीवन में मिलता है। उस भरत को सिद्धि क्या हुई? उस भरत ने जो भी चीज सोचा, आंख बंद करता, कुछ सोचता, कलम को उठा करके कैनवास पर रखता, कलम स्वयमेव चलने लगती और चलते चलते चित्र बनने लगते, और धीरे धीरे करके वो अपने पूरे के पूरे राज्य में उस कलाकारी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जैसे आज भी देखिएगा, साधना करने वाली जो गायिकाएं रहती हैं, जब वो शब्दों की आराधना करती हैं, तो अभी लता मंगेशकर जी को देखिएगा कि कैसे वो 70 सालों से लगातार गा रही है। कंठ की कोई ऐसी सिद्धियां हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही सबको कंठ में, किसी को हाथ में, जो मंत्र होते हैं वो शरीर में अलग अलग स्थानों पर सिद्ध होते हैं। जैसे तीर्थंकरों के नाम के उच्चारण है और मंत्र होते हैं, वो भी शरीर पर अलग अलग सिद्ध होते हैं बंधुओं। जैसे अजितनाथ स्वामी का मंत्र है, ओम ब्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ये मंत्र कंठ में सिद्ध होता है। कुछ मंत्र होते हैं तीर्थंकरों के, वो नेत्र में सिद्ध होते हैं, कुछ मस्तिष्क पर सिद्ध होते हैं, कुछ हृदय में, कुछ हाथ में, कुछ विचार शक्ति में, कुछ कान पे, ऐसे अलग अलग स्थानों पर सिद्धि के मंत्र होते हैं। उस भरत को हाथ में सिद्धि हो गई, उंगलियों में तूलिका पकड़े और एक नया चित्र तैयार कर लेता। और जैसे ही वो नया चित्र तैयार करता, उस चित्र में ऐसी सजीवता रहती कि देख करके ऐसा लगता कि जैसे पर्वत को उठा करके सीधा कागज पर रख दिया। आप कभी शेर की आंख वाले चित्र देखिएगा, मैंने बहुत देखे हैं। कई कलाकार शेर की आंख ऐसी बनाते हैं, बाल ऐसे बनाते हैं, लगता है कि एक एक बाल कैसे बनाया है इनने, कि सजीव हो उठता है वो चित्र। और फिर उनकी कीमतें भी रहती हैं, 25-50 हज़ार रुपये से शुरू होकर के लाखों रुपए में जाकर के एक एक चित्र की सजीवता बोलती है। उस भरत के हाथ के चित्र की सजीवता जब पूरे राज्य में बोलने लगी, भरत को लगा कि मुझे अपने इस वैभव को कहीं और जाकर के भी दिखाना चाहिए। और जब वैभव को दिखाने के लिए भरत अपने पूरे राज्य को छोड़ करके और सिंधु देश के विशालापुर नामक नगर पर पहुंचा, जहाँ पर महाराज चेटक अपने राज्य शासन को संभालते थे। महाराज चेटक जैन धर्मावलंबी थे और महाराज थे। महाराज का मतलब है जिसके घर के अंदर अत्यधिक मात्रा में प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, उसको आप महाराज समझिए। महाराज का मतलब ही है कि खाने पीने से लेकर के उठने बैठने तक से लेकर के जिनके घरों में अतुलनीय वैभव है, ऐसे व्यक्तियों को महाराज मानिएगा। तो महाराज चेटक राज्य करते थे विशालापुर नामक नगर में, सिंधु देश का वह विशालापुर नामा नगर। उसमें महाराज चेटक के उस नगर में जब वो चित्रकार भरत पहुंचता है, तो छोटे छोटे चित्रों को बना करके वो धीरे धीरे पूरे के पूरे राज्य में ख्याति प्राप्त कर लेता है। और घर के अंदर, नगर के अंदर कुछ भी घटता है, आपको तुरंत सुनाई समझ में तो आ ही जाता है। महाराज चेटक को भी पता चला कि कोई नगर में ऐसा चित्रकार आया है कि जिसकी कलाकारी बिल्कुल सजीव हो उठती है। तो वो चेटक ने उस चित्रकार को अपने राज दरबार पर बुलाया। जैसे हम कभी अपने घर के सामने से निकलने वाला वो जो बहेलिया होता है, सांप पकड़ करके घूमते रहते हैं ना सपेरे, तो कई बार अपन बुला लेते हैं, भैया एक बार सांप का सो यहीं दिखा दो,
हम भी देख लेते हैं काला बड़ा सांप, कोबरा छोटा, हरा नीला पीला लाल कैसा होता है, और दो पाँच 10 रुपये दे करके उसको वापस कर देते हैं। नागपंचमी के दिन तो खास तौर से ऐसा करते ही हैं। तो जैसे अपन छोटे छोटे आयोजनों को कर लेते हैं, ऐसे ही महाराज चेटक ने अपनी पूरी राजसभा में उस चित्रकार को बुलाया। राजसभा बिल्कुल खचाखच आपस में लगी हुई थी, उसमें महाराज चेटक विराजमान थे, महाराज चेटक की श्रीमती महारानी भी विराजमान थी, और महाराज चेटक की 7 पुत्रियां थीं। सातों की सातों पुत्रियां अपने अपने सिंहासन पर दूर विराजमान थीं। सभी लोगों को पता था कि आज उस चित्रकार की चित्रकारी का सजीव कला मंचन इसी मंच पर होना है। सबके मन के अंदर उत्सुकता थी। चेटक के सामने जब वो भरत चित्रकार पहुंचता है, चेटक भरत से कहते हैं कि आपके बारे में बहुत सुना है। भरत विनीत होकर के महाराज चेटक के चरणों में प्रणाम निवेदित करता है, कहता है सब गुरुओं की कृपा है। जब कभी भी अपने जीवन में कोई सौंदर्य बढ़े तो मात्र एक शब्द बोले जाते हैं, सब गुरुओं की कृपा है। प्रभु की कृपा भी नहीं बोली जाता। प्रभु कृपा क्यों नहीं बोली जाती महाराज? क्योंकि गुरु में गुरु भी आ जाते हैं और प्रभु भी आ जाते हैं, लेकिन प्रभु में सिर्फ प्रभु आते हैं, गुरु का समावेश नहीं हो पाता। इसलिए जो भी संपन्न बुद्धि कौशल से प्रवीण लोग होते हैं, जब भी उनके हाथों में सफलता रहती है, वो हमेशा बस एक ही शब्द कहते हैं कि सब गुरुओं की कृपा है। ये शब्द जीवन का सौंदर्य है। भरत चित्रकार से चेटक ने कहा कि आपके बारे में बहुत सुना है। चेटक कहते हैं सब गुरु की कृपा है महाराज, गुरु के आशीर्वाद से जिंदगी में मैं इस सफलता तक पहुंचा हूं। और चेटक ही क्या, संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो बंधु, गुरुओं की कृपा से ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। चेटक ने भरत चित्रकार से कहा कि अपनी कला का कुछ कौशल का नमूना दिखाइएगा। चेटक ने तूलिका हाथ पर ली, सामने एक स्वच्छ श्वेत वर्ण का कागज लगाया और भरत ने चेटक से ही पूछा, महाराज आप बताएं कि मैं किसका चित्र यहाँ पर बनाने का प्रयास करूं। महाराज चेटक ने धीरे से एक बार अपनी बड़ी पुत्री मृगावती की ओर देखा और भरत इतने से में ताड़ गया कि महाराज ने अपनी पुत्री को देखा है तिरछी निगाहों से। निश्चित ही महाराज के मन के अंदर उनकी प्रथम पुत्री के प्रति विशेष स्नेह भाव है, और ये पॉलिसी आज की नहीं है, हमेशा से चली आई है और आज आप भी इंप्लीमेंट करते हैं। कपड़ा दुकान वालों के यहाँ कभी जाकर के देखिएगा, कपड़े की दुकानों में जब कोई महिला साड़ी लेने जाती है और साड़ी वाला जब साड़ी खोलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 30, 40, 50 साड़ी खोलते 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 कपड़ा वाला हमेशा ये देखता रहता है कि महिला इतनी देर से साड़ी देख तो रही है लेकिन किसी के प्रति विशेष उत्सुकता नहीं है। और 10, 15, 20 साड़ी दिखाने के बाद अगर आपने मान लीजिए किसी साड़ी को हल्के से उठा करके छू करके उसके कपड़े में हाथ भी रखा, इस रखे हुए हाथ को दुकानदार पकड़ लेता है कि लाल कलर की साड़ी को महिला ने हाथ से उठा के छुआ है, मतलब थोड़ा सा आकर्षण उस लाल साड़ी के प्रति है। 2-5 साड़ी आपको और दिखाता है, उसके बाद धीरे से बोलता, बहन जी आपके ऊपर ना ये नीचे वाली साड़ी बहुत जमेगी, और वही लाल वाली साड़ी उठा करके फिर ऊपर रख देता है। चूंकि आपके मनोभावों में उसके प्रति थोड़ा सा राग भाव पैदा हुआ है, उस राग भाव को उसने पकड़ लिया। अब जैसे ही उसके शब्दों का समर्थन मिलता है, वैसे ही महिला के अंदर ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि वास्तव में ये साड़ी अच्छी है, मुझे भी अच्छी लगी है और दुकानदार भी अच्छा कह रहा है, बोले आप चाहें तो चेंज करके देख लीजिए। और सिर्फ एक शब्द प्रशंसा के सुनने पर ये कपड़े की दुकान वाले जो होते हैं इसी तरीके से रोज सुबह से लेकर शाम तक व्यवसाय करते रहते हैं। बस आपके राग भाव की कणिका कहाँ पर गिर रही है, एक बार पकड़ में बस आ जाए। तो ये भरत चित्रकार ने उस राग की कणिका को महाराज चेटक की पकड़ा,
पकड़ करके देखा कि इनका नेत्र का व्यास जो है वो मृगावती उनकी पुत्री के ऊपर गया है, और मृगावती को एक बार भरत ने देखा और मुस्कुराते हुए महाराज को वो देखता ही रहा। चूंकि उसके हाथ में मंत्र की सिद्धि थी, तुलिका को कागज पर रखा और महाराज को देख करके मुस्कुरा रहा था, हाथ चलाने का अभिनय कर रहा था, काम तो सारे मंत्र कर रहे थे। दुनिया में आज भी ध्यान रखिएगा, जितने भी महानुभावों ने, पुण्यार्जक परिवारों ने यहाँ पर कलश की स्थापना की है, वे दुनिया में कितने भी सफलता के चरम पर पहुँच जाएं, लेकिन अगर वो अजितनाथ भगवान की रोज प्रतिदिन तीन माला देते हैं, ओम ब्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, तो ध्यान रखिएगा उनके कामों में उनका काम कम रहते हैं और पीछे से मंत्र की शक्तियाँ ज़्यादा काम कर रही हैं। ये बात अपने हृदय में गहराई तक बैठा लीजिएगा, जरूरी है, क्योंकि याथा तथ्यम विना च विपरीतात्। मैंने पहले ही कहा था कि कथानक सुनने से पूर्व में अगर ये बात दिमाग पर बैठ जाए कि ऐसा आज भी होता है, आज भी कोई व्यक्ति चाहे तो मंत्रों को विधि पूर्वक अनुष्ठान पूर्वक करके सिद्ध कर लेते हैं, और ऐसा मैंने अपनी आंख से देखा भी है कई लोगों को। बंधु, जब भरत ने मृगावती का चित्र महाराज चेतक की ओर तो वो देख रहा था, बीच बीच में थोड़ा सा अभिनय करता और अभिनय करके उसने पूरा का पूरा चित्र बनाया, और बना करके फिर महाराज भरत ने देखा कि मृगावती के बगल में उसकी दूसरी और भी कन्याएं बैठी हैं। उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज कुछ कागजों की और आवश्यकता है। महाराज चेतक ने बिना कुछ सोचे समझे इशारा किया और नए नए कागज आ गए। एक एक करके सात की सात पुत्रियों के चित्र उस भरत चित्रकार ने वहां पर उतार दिए। चार पुत्रियां महाराज चेतक की विवाह को प्राप्त हो चुकी थी, विवाहित थी। तीन पुत्रियां जिसमें ज्येष्ठा चेलना और ज्येष्ठा चेलना के साथ चंदना, तीन पुत्रियां अविवाहित थीं। उस भरत चित्रकार ने सात की सात पुत्रियों के पूरे चित्र हूबहू बना करके जब कागज को पलटा, और पलटने पर पुत्रियों ने और महाराज चेतक ने देखा कि जैसी मेरी कन्या दिखती है वैसी की वैसी कन्या को इसने पूरा का पूरा कागज में उतार दिया। चूंकि पीछे से मंत्र काम कर रहा था, मंत्र की साधना करने पर कितनी सरलता हो जाती है गृहस्थ को अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए। वो मंत्र कई बार पुरुषार्थ के होते हैं, कई बार संयम के होते हैं, कई बार अभिषेक शांति धारा के होते हैं, कई बार मंत्र जाप के मंत्र होते हैं। मंत्र का मतलब है कि वो शब्दावलियाँ जिसको आप बार 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 दोहराते हैं, तो हजारों बार दोहराने पर कोई भी एक शब्द आपके जीवन में मंत्र जैसा काम करने लगता है, और उसी मंत्र की शक्ति से फिर आगे के आपके जीवन की धारा निश्चित होती है। भरत चित्रकार के उस पूरे के पूरे चित्र को तैयार कर दिया और दिखाया जब महाराज चेतक को, तो सात की सात पुत्रियों के साथ महाराज चेतक, महारानी और पूरी राजसभा देख करके दंग रह गई। राजसभा में दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने जब उस चित्र को देख लिया तो प्रत्येक मानस के अंदर यह भाव पैदा हुआ कि इन सात की सात पुत्रियों का एक एक चित्र हमारे घर में भी होना चाहिए, और सभी ने एक साथ इस बात की चाहना की कि इस चित्रकार से कह करके एक चित्र हमारे लिए भी बना दिया जाए, सात की सात कन्याओं का बना दिया जाए। और उस भरत चित्रकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिंधु देश के जो विशालापुर नाम का नगर था, उस प्रत्येक नगरवासी के प्रत्येक घर के लिए सात सात चित्र बना करके दे दिए। लोगों ने इतने सजीव चित्र को अपने घर के प्रवेश द्वार की दहरी पर लगा दिया। सात कन्याओं के चित्र हो गए लगा दिए, और धीरे धीरे करके जिन लोगों को नहीं पता था उनके घरों में भी बाहर उनकी चौखट पर ऐसी सात कन्याओं के चित्र लग गए जिसको प्रजाजन रोज देखती, रोज देख करके गदगद होती। और धीरे धीरे लोक रूढ़िता चल गई। लोक रूढ़िता के चलने पर
लोगों ने उनको सात माता कह करके पुकारना शुरू कर दिया, जबकि वो महाराज चेटक की सात पुत्रियां थीं। लेकिन कब कहां कौन सा क्रिया परंपरा का रूप ले ले, कुछ कहां नहीं जाता बंधुओं। मूर्ता में और मिथ्यात्व में एक बहुत गहरा अंतर है, आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है मिथ्यात्व, एक शब्द आता है मूर्ता। तो मिथ्यात्व क्या है महाराज और मूर्ता क्या है? मूर्ता है गलत में सही की कल्पना करने का नाम मूर्ता है। त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, ये रत्कण सावकाचार में मूढ़ शब्द आता है। मूर्ता क्या है महाराज? गलत वस्तु में सही की कल्पना का नाम मूर्ता है, और सही वस्तु में गलत विचारणा का नाम मिथ्यात्व है। दोनों चीजों के ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। एक गलत में सही समझ रहे हैं तो मूढ़ है, और एक सही को गलत समझ रहे हैं तो हम मिथ्या दृष्टि हैं या मिथ्यात्वी हैं। मिथ्यात्वी मूढ़ व्यक्ति से थोड़ा हल्का ही मानिएगा, क्योंकि मिथ्यात्वी की दृष्टि रहती तो सदगुरु के ऊपर है, लेकिन उस सदगुरु से वो अपेक्षा कुछ और कर बैठता है। मूढ़ता और मिथ्यात्व में अंतर देखिए, सौंदर्य है शब्दों का, हर शब्द की अपनी कीमत है। सात माता के सात कन्याओं के चित्र लग गए, और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में सात माता के रूप में प्रसिद्ध हो गईं। आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी चौखटों पर सिर्फ चूने से ऐसी सात बिंदियां बना दी जाती हैं, जिनको आप समझते नहीं हैं क्यों बना दी जाती हैं, लेकिन जैन संप्रदाय में भले नहीं होता हो लेकिन अन्य संप्रदाय में होता है। और नहीं तो चौकोर बना करके उसके ऊपर एक थोड़ा सा त्रिकोण जैसा बना करके उसकी कल्पना पूर्ति में इस तरीके की सात बिंब का निर्धारण करके आज भी कई लोग उसकी आराधना इत्यादि करते हैं। और इसी को आपके घर के अंदर आप कभी देखा होगा कि भैया इनके कहाँ देहरी पूजन होने हैं। देहरी की पूजा होती है ना घरों में, शादी विवाह के अवसर पर देहरी की पूजा की जाती है। वो जो देहरी की पूजा होती है उसके पीछे कभी बस ये महाराज चेटक की सात पुत्रियों के चित्र हैं बंधुओं, और कोई विशेष बात है नहीं। लेकिन लोगों ने गलत में सही की कल्पना करके और मूर्ता को बहुत आकार दिया। जब सब घरों में ये सब लग गया, लगने के बाद महाराज चेटक बड़े प्रसन्न हुए कि चित्रकार के अंदर तो अपूर्व शक्ति है, एक जैसा चित्र हर घर के लिए उसने उपलब्ध कराया मेरी सात की सातों कन्याओं का। तो महाराज चेटक ने उस भरत चित्रकार का अभूतपूर्व सम्मान किया, अभूतपूर्व। उस सम्मान को पाकर के भरत को उस पूरे के पूरे महाराज चेटक के राज्य में राज चित्रकर्मी का दर्जा मिल गया, एक छोटा सा भूखंड मिल गया, एक छोटा सा मकान मिल गया। देखिए कौशल होती है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ आपके यहाँ जीवन में काम करती है। अब इधर वे जो तीन कन्याएं थीं जिनका विवाह नहीं हुआ था महाराज चेटक की, ज्येष्ठा, चेलना और चंदना, इन तीनों में चंदना का, चेलना का अद्वितीय सौंदर्य था। अद्वितीय मतलब, अद्वितीय का मतलब ही है कि पूरे राज्य में चेलना के जैसी सौंदर्यवान कोई दूसरी कन्या नहीं थी। ज्येष्ठा ने उस चित्रकार को अपनी दूतियों से कह करके एक दिन अपने अंतःपुर में बुलाया, अंतःपुर में बुला करके, और ज्येष्ठा ने कहा कि उस दिन तो मैंने बहुत दूर से आपको देखा था, आज थोड़ा करीब से देखने की इच्छा थी, आपसे वार्तालाप करने का भाव था, इसलिए आपको बुला लिया, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भरत चित्रकार ने भी अपने आप को सौभाग्यवान समझा कि इस चित्रकारी के कारण मुझे राजा की पुत्री से सीधा संवाद करने की अनुकूलता और मौका मिल गया। जब सामने ज्येष्ठा और भरत चित्रकार बैठ गए तो ज्येष्ठा भरत से कहती है, भरत तुमने उस दिन राजसभा में हम लोगों के चित्र बनाए थे, सामान्य सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। भरत ने ऐसा उठा के आंख देखा, मुस्कुराया थोड़ा सा भरत,
और ज्येष्ठा कहती है हम तुम्हें सफल चित्रकार तो तब माने कि तुम चेलना का जैसा प्राकृतिक सौंदर्य है बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य वाला चित्र बना करके चित्रपथ पे अंकित कर दो। भरत उस ज्येष्ठा को देख करके सहम गया, कहता है राजकुमारी क्या कह रही हैं आप। ज्येष्ठा ने कहा मैं अपनी छोटी बहन चेलना का प्राकृतिक सौंदर्य चित्रपट पर देखना चाहती हूँ। अब चूंकि वस्त्रों आभूषणों के साथ कृत्रिम सौंदर्य में अपनी सुंदरता अलग होती है, लेकिन चेलना अभूतपूर्व सुंदरी थी और भरत ने ज्येष्ठा की उस बात की सिद्धि करने के लिए चेलना के एक बार रूप को देख करके जैसे ही तुलिका हाथ में उठाई और मंत्र की सिद्धि के कारण चेलना का प्राकृतिक सौंदर्य पूरा का पूरा चित्रपट पर अंकित हो गया। कुछ भी कृत्रिमता वहां पर नहीं थी, पूरा का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य जब चित्रपट अंकित हुआ और ज्येष्ठा के सामने भरत ने रखा तो भरत ने जब ज्येष्ठा के सामने रखा तो ज्येष्ठा देखी तो ज्येष्ठा को इस बात का आश्चर्य हुआ कि चेलना के अंतरंग में जिस तरीके के तिल मस्से विन्यास इत्यादि है, भरत ने उतने ही बड़े उतने ही तरीके उतने ही रंग के वैसे विन्यास चित्रपट पर भी अंकित कर दिए हैं। जब ज्येष्ठा ने भरत की ये चित्रकारी देखी तो महाराज के गुप्तचर तो दुनिया में हर जगह रहते हैं। गुप्तचरों में से एक गुप्तचर ने देखा कि भरत ने चेलना का प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ एक चित्र बनाया है और ये बात जाकर के जासूस ने उस गुप्तचर ने महाराज चेटक से कह दी कि महाराज राजसभा में तो भरत ने जो राजकुमारियों का चित्र बनाया था वो तो सौंदर्यवान था, लेकिन ज्येष्ठा को अभी भरत ने प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ चेलना का एक चित्र दिया है। चेटक के बात कानों तक पहुंची तो चेटक के कान में ऐसा लगा कि किसी ने कांटा घुसा दिया कि प्राकृतिक सौंदर्य समझते हो। हाँ महाराज अपराध क्षमा हो, लेकिन ऐसा ही हुआ है। चेटक को लगा कि भरत ऐसा कुछ कर नहीं सकता है। जब जासूस ने कहा कि हू बहू जहां जैसा विन्यास है वैसा ही बना दिया है, तो चेटक ने उस चित्रपट को बुला करके आंख में अपनी आंख से देखा और देख करके चेटक बहुत ज्यादा क्रोधित और भयभीत दोनों एक साथ हो गए। चेटक को भय ये लगा कि हो ना हो चेलना का और भरत का कुछ अंतरंग संपर्क हो गया है, इसी कारण ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ ये चित्र भरत बना पाया। क्योंकि चेटक को पता नहीं था कि भरत को हाथ में तुलिका में मंत्र की सिद्धियां हैं। आपको भी नहीं पता रहता है कई बार किसके पास कौन सी सिद्धियां रहती हैं और आप कई बार बिल्कुल बगल से होकर के गुजर जाते हैं और भूल जाते हैं कि कई चीज़ें सिर्फ अभिवादन करने मात्र से जीवन में प्राप्त हो जाती हैं। किसी भी अति अच्छेकारी जिनबिंब के सामने जब आप गवासन से नमस्कार करते हैं आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी पर रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी जब गर्भगृह के उस केंद्र के नीचे जाकर के झुकती है, जब आप ऐसे खड़े रहते हैं तो आपका ब्रह्मरंध्र गर्भगृह से ठीक ऊपर टच पे रहता है, लेकिन जब आप माथा नीचे जमीन पर टिकाते हैं और रीढ़ की हड्डी पीछे से गर्भगृह के ऊपर ऐसी दिखाई देती है तो सुषुम्ना नाड़ी से गर्भ के ऊपर के केंद्र का जब मैच बनता है तो मंत्र की शक्तियों से अभिभूत वह जो बिंब होते हैं जिसमें पूरे के पूरे में मंत्र का ऑरा छिपा रहता है, उसी वक्त आपने शब्द का उच्चारण किया रहता है बीजाक्षरों का ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम मम हम हम सम सम तम तम, तो वो मंत्र उस पूरे के पूरे गर्भगृह के भौरे में चक्रवात के जैसे घूमते रहते हैं। और जैसे समुद्र में वर्लपूल आता है, मतलब वर्लपूल को हिंदी में चक्रवाती भौरा भौरा कहते हैं, भंवर कहते हैं, तो जैसे वो वर्लपूल
समुद्र में आता है, ऐसे ही पूरे के पूरे बीजाक्षरों का एक वर्लपूल जो है वो गर्भगृह में ऐसा घूमता रहता है। और जब आप अभिषेक शांति धारा के पश्चात जब आप बोलते हैं तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्थी हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमः जिन भवोदधि शोषणाय, ये जब सब आप पढ़ते हैं उस वक्त जब आप झुक रहे होते हैं और सुषुम्ना नाड़ी उस गर्भ के केंद्र के केंद्र बिंदु के सामने खड़ी रहती है। दुनिया में किसी भी गर्भगृह में मूर्तियाँ ठीक केंद्र के नीचे नहीं रखी जाती। गर्भगृह का पूरा जो भौंरा बना रहता है उससे मूर्ति पूरी वेदी करीब 2.5 फीट पीछे रहती है, 3 फीट पीछे रहती है। और सामने का पूरा जो गर्भगृह बनाया जाता है, भौंरा बनाया जाता है, शिखर बनाया जाता है, वो शिखर हम और आप जैसे मनुष्यों के सौंदर्य और शक्ति को विकसित करने का एक अतुलनीय बल का केंद्र है। लेकिन जब हम नमोस्तु करने की कला नहीं जानते हैं, गवासन से नमोस्तु नहीं करते हैं, लेट करके नमोस्तु नहीं करते हैं, तो कई बार उन मंत्रों की शक्तियों से हम अपने जीवन की ऊर्जा को परिमार्जित संवर्धित नहीं कर पाते हैं। ये हमारे नमोस्तु नहीं करने का जो विज्ञान हमें नहीं पता है, इस कारण भी हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बीमार व्यक्ति अगर प्रतिदिन प्रतिमा के सामने बैठ करके गवासन से नमोस्तु करता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में अद्वितीय तरीके से विकास होता है। लेकिन इन ऊर्जा के केंद्रों से कैसे ऊर्जा ली जाती है, इस विज्ञान को हम भूल करके आज मंदिर के बाहर चैनल गेट के सामने ही भगवान को माथा टेकते हैं, ऐसा चावल चढ़ाते हैं और लौट जाते हैं। जबकि आवश्यकता थी कि गर्भगृह के केंद्र तक पहुँच करके और केंद्र में जिन बिंब के सामने खड़े होकर के नमोस्तु करते तो मंत्र की उच्चारणा शक्तियाँ, साधुओं का धर्म ध्यान, नमो अरेन्ताणम और उन साधुओं के द्वारा स्थापित बिंबों की शक्तियों से हम पूरे शरीर में ऊष्मा ऊर्जा संचार करके और धीरे से वहाँ से नमोस्तु करते हुए वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस विज्ञान से शून्य होने के कारण हमारे नमोस्तु में जो फर्क आ गया, खड़े खड़े नमोस्तु किया और चलते बने, शांति धारा करी अब कौन बैठे, कई बार मंदिर गए अब रेमंड कंपनी का पैंट पहना है क्रीज खराब हो जाएगी, बहुत टाइट जीन्स है तो जीन्स खराब हो जाएगा, नहीं तो पीछे से लिवाइस की इलास्टिक दिखने लगेगी, शर्म आएगी, तो क्या करते हैं चावल चढ़ाते हैं ऐसा खड़े हो जाते हैं। ऐसा कर लिया, ऐसे धर्मात्मा दिखते हैं उस समय, आंख ऐसी बंद रहती है, ऐसा बुद बुद करता रहता है आदमी कि इससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। लेकिन वो धर्मात्मा ये भूल जाता है कि इस तरीके से किसी भी पूजन अर्चना नहीं की जाती है। कैसे की जाती है, तो जितना बड़ा आपके सामने बिंब होता है उस चावल को, धुले हुए चावल को हाथ में लेकर के उस बिंब के ऊपर से पूरी चावल को ऐसे घुमाया जाता है, अर्घ जो होता है ना, वो जो मंत्रों की शक्तियों का जैसे कोई बिंब है। अब बिंब के कितना बड़ा बिंब है आप देख लीजिए आपके घर के, आपके मंदिरों के अंदर है ना। अब उस मंदिर के अंदर बिंब है तो पूरी की पूरी ऊर्जा का संचार उस पूरे बिंब के चारों तरफ हो रहा है। अब उस पूरी मंत्र शक्तियों की आराधनाओं को जब अर्घ चढ़ाना होता है तो ऐसो ऐसो नहीं चढ़ा हो जाए, उधर चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सदीप सदूप कछु नहीं हो। क्या करते हैं महाराज, अर्घ हाथ में लेते हैं, हाथ में अर्घ को लेकर के जितना बड़ा बिंब है उस बिंब की पूरी ऊपर से ऐसे उतार करके 3 बार ऐसा करके उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई, और फिर बिंब के सामने अर्घ चढ़ा करके और जब गवासन से नमोस्तु करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप देखिए कि जीवन में शारीरिक क्षमताओं का कैसा अद्वितीय विकास होता है, अद्वितीय। जिन बच्चों के हाथ पैर खराब हो जाते हैं, पैरालाइज्ड पर्संस होते हैं, महिलाओं में जिनको वैक्स फॉल्सी हो जाता है, ये सब मंदिरों में जा करके जब इस तरीके से नमोस्तु नमस्कार करते हैं, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम्स हो, इन सब चीज़ों में अद्वितीय रूप से लाभ मिलता है। क्योंकि शांति धारा के मंत्रों में सारी चीज़ों की कल्पना व्यवस्थाओं को करके वहाँ पर प्रार्थना करी जा चुकी है। लेकिन हम इस विज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण पता नहीं क्या करते हैं मंदिर जाकर के, कि जिन भगवान के मंदिर भी जाते हैं बीमार भी पड़ते रहते हैं, पटपटा करके मरते भी रहते हैं, कोई बचाने वाला मतलब नहीं मिलता है। मैं वही बार बार सोचता हूँ कि पूर्वजों ने इतने बड़े शिखर भौरे जिनाले सब कुछ बनाया है, ये सौंदर्य को हम विकसित क्यों नहीं कर पाए,
क्योंकि हम उस विज्ञान से सुन होकर किसी एक धन के विज्ञान पे लग गए, सुबह से लेकर शाम तक हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। हाय पैसे से तो बहुत कुछ होता नहीं बंधु। जब इस विज्ञान को जान लिया, सब कुछ हो गया, भरत को पता चला कि महाराज चेटक जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मीरा और चेलना का कोई अंतरंग संबंध हो गया है, क्योंकि मंत्र के विज्ञान से महाराज चेटक अनभिज्ञ थे कि मंत्र की शक्ति भी हाथ में हो सकती। महाराज चेटक को विश्वास ही नहीं था इस बात का। महाराज चेटक इतने क्रोधित हुए कि महाराज चेटक ने कह दिया गुप्तचरों से कि किसी भी कीमत पर अब भरत की धीरे से व्यवस्था कर दो। इशारा बस किए जाते हैं, इशारों में सारी बातें हो जाती हैं। गुप्तर एक बार में समझ गए, समझ लो, समझने का मतलब। तो जैसे ही चेटक को लगा कि इनका काम कर देना है अब, और चेटक ने गुप्तचरों से कहा कि और भरत को दैव योग से ये बात पता चल गई कि महाराज चेटक उस प्राकृतिक चित्र को बनाने के कारण मुझ पर शंका भी कर रहे हैं, क्रुद्ध भी हैं, और अब मेरा कुछ बहुत गंभीर अहित भी हो सकता है। और चेटक रातों रात अपना तूलिका अपने सामग्री उठा करके और जिस सौंदर्य के साथ वहाँ पर आया था और चुपचाप घनघोर रात्रि में निकल करके वापस जा करके राजगृह में जा करके पहुँच जाता है। राजगृह में मगध के सम्राट महाराज श्रेणिक राज्य कर रहे होते हैं, और भरत वहाँ पर कुछ दिनों तक तो पहले अपने जीवन की स्वस्थता निश्चित करता है कि यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा है नहीं। और एक दिन महाराज श्रेणिक जब अपने राजमहल में बैठे होते हैं, वो चेलना का वह अद्वितीय चित्र बना करके, प्राकृतिक चित्र बना करके महाराज श्रेणिक के सामने ले जा करके खड़ा कर देता है। श्रेणिक बोलते हैं, ये तुम्हारी कल्पना है कि कोई अप्सरा, कोई देवी है कि किसी का दैवी प्रसाद, क्या है ये? तब अगर ये कोई है, वास्तव में कोई है, तो फिर कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, मुझे बताओ। भरत चित्रकार ने बस इतना ही बात कही कि सिंधु देश के विशालापुर नामक नगर में महाराज चेटक की पुत्री ये चेलना है, चेलना के साथ इसकी एक और बड़ी बहन ज्येष्ठा और छोटी बहन चंदना है, तीनों अविवाहित हैं, तीनों लूप लावण्य में भरी पड़ी हैं, लेकिन चेलना का कोई जवाब नहीं है। जब ऐसी बात भरत ने खुद कह दी और चित्र भी दिखा दिया, जब महाराज श्रेणिक उस चित्र को देख करके ऐसे कामासक्त हुए कि उसी वक्त से उनकी भूख मर गई, पूरी भूख मर गई। भरत अपने चित्र को दिखा करके तो चला गया, चित्रकार ने सिर्फ चित्र दिखाया, चित्र दिखा करके वो चला गया, लेकिन देखने वाले की नींद हराम कर गया। चित्र को देखने पर महाराज श्रेणी की नींद हराम हो गई बंधुओं, सोचिए। और आप तो चलचित्र देखते हैं, महाराज श्रेणी के सामने चलचित्र की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर ना कोई ऐसा कोई मतलब मूवी चलती थी ना कुछ होता था, वहां पर तो सिर्फ कलाकारियों के कलाकारों से बहुत कुछ देखा जाता था। भरत ने सिर्फ चित्र दिखाया महाराज श्रेणी को, चित्र देख करके, लेप चित्र को देख करके चेटक के अंदर, महाराज श्रेणी के अंदर ऐसी कामाग्नि पैदा हुई कि महाराज श्रेणी की उसी वक्त से भूख ही खत्म हो गई। जब पूरी भूख खत्म हो गई, महाराज श्रेणी उदास होकर के बस एक बात सोचने लगे कि अगर ये वास्तव में स्त्री है और इस धरती पर है तो इसको पाए बिना मेरे जीवन जीवन नहीं है। उस समय महाराज श्रेणी का विवाह हो चुका था, महाराज श्रेणी के पुत्र पुत्रियां सब थे, लेकिन बड़ी उम्र में भी महाराज श्रेणी को इस तरह की कामाग्नि जब एक चित्र को देखने पर पैदा हो गई। उस ग्रंथ को पढ़ते वक्त मुझे बार बार एक बात लग रही थी कि महाराज श्रेणी सिर्फ चित्र देख करके प्रभावित हुए। हम 24 घंटे एंड्रॉइड पर चल चित्र देखते हैं, हमारे अंदर की कामाग्नि, हमारे अंदर की वासना, हमारे अंदर की धैर्य क्षमा कहाँ चली जाती है कुछ पता भी नहीं चलता होगा, क्योंकि यथा तथ्यम बिना च विपरीतात् सूत्र है, आचार्य भगवंत ने कहा है कि आगम ग्रंथों में जो शब्द की संयोजना बना करके बात कही गई है वो जैसी थी वैसी की वैसी कही गई, और मैं आपको वैसी की वैसी ही सुना रहा हूं।
वैसी की वैसी ही आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। और भरत चित्रकार ने वो चित्र सामने क्या रखा, महाराज की नींद हराम। दूसरे दिन सुबह सुबह जब कुमलाया हुआ उदास सा चेहरा देखा तो उनके जो पुत्र थे अभय कुमार, उन अभय कुमार ने पिता से पूछ ही लिया, महाराज क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है। अब एक पिता अपने पुत्र से अपने मन के अंदर उत्पन्न हुई वासना की चर्चा कैसे करे। बड़ी कठिन बात थी कि पुत्र एक बार पिता से कह दे कि मुझे कोई कन्या पसंद है तो बात समझ में आती है, लेकिन बड़ी उम्र पर पिता पुत्र से कैसे कहे कि मेरे अंदर वासना का ऐसा गुबार उठ रहा है कि मुझे ना तेरी माँ अच्छी लग रही है, ना तू अच्छा लग रहा है, ना तेरा राज्य अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने महाराज श्रेणी की खड़ी हो गई। अभय कुमार उनका पुत्र निरंतर बार बार पूछ रहा था और पूछते 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 महाराज क्षणिक ने एक हाथ अभय कुमार के कंधे पर रखा और अभय कुमार से बोलते हैं, बेटा मेरे अंदर का भाव मैं तुमसे कहूंगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अभय कुमार पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, लेकिन महाराज क्षणिक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुनायी थे और महाराज चेटक शुद्ध दिगंबर जैन धर्म का अनुनायी था। उसके पूर्व में घोषणा थी इस बात की कि हम जब भी अपनी कन्या का विवाह करेंगे सिर्फ जैन कुल के परिवार में करेंगे, हम अजैन को अपनी कन्या नहीं देंगे। ये बात भरत चित्रकार के माध्यम से महाराज श्रेणी के कान तक पहुंच गई थी। महाराज श्रेणी बार बार एक ही चीज सोच रहे थे कि मैं जैन होता तो फिर भी मुझे वो कन्या मिल जाती, लेकिन हम दोनों अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, ये कन्या मुझे कैसे मिलेगी और मैं कैसे किसी से कहूं कि मैं उस कन्या के बिना मेरी नींद और भूख दोनों खत्म हो गई। प्रथमम जायते चिंता द्वितीयम दष्टुमिच्छति, पहले तो चिंता होती है फिर देखने की इच्छा होती है। एक एक करके काम के 10 वेग होते हैं और 10वें वेग पर तो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो ही जाता है। अत्यधिक राग में आदमी की निश्चित मृत्यु होती है, आप कभी भी जीवन में अजमा के देखिएगा। महाराज क्षणिक सोच रहे हैं कि मेरे काम के अंतिम वेग मेरे प्राण निकले, इसके पहले मैं अपने अभय कुमार से बात कहूं कि ना कहूं, कहूं कि ना कहूं, कहूं कि ना कहूं। महाराज श्रेणी कुछ सोच रहे हैं, महाराज श्रेणी क्या सोचते हैं, कैसे उस बात को कहते हैं, क्या संवाद होता है, इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। इस अद्भुत दृश्य को, इस अद्भुत कथानक को गतिमान करने के लिए अब आप भी अपने कर्णपुटों को खोल करके रखिएगा। मैं निरंतर रोज प्रतिदिन उस महाराज श्रेणी के अभय कुमार के चेलना के संवाद, और ये वास्तव में तो चेलना की एक ऐसी कथा है कि उस चेलना ने, उस फूल ने एक कांटे को फूल बना दिया। क्या है वो चेलना कि जिसने एक शिकारी को तीर्थंकर बना दिया, ऐसी कोई चेलना इस सृष्टि पर कैसी होती है, क्या चेलना है, क्या सद्गुण है, क्या संवाद है, पुनः प्रयास करूंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूं, आप बहुत ज्यादा रम गए होंगे, कल प्रतीक्षा करिएगा इसी संवाद की। पुनः मंच पर मैं उपस्थित होऊंगा इस संवाद के लिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं, लेकिन ये बात जरूर कहता हूं कि कथानक जो चल रहा है यथा तथ्यम बिना च विपरीतात, आप इसमें से बहुत कुछ निकालने की कोशिश करिएगा। 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, 9 कर्म हैं, निमित्त हैं, वासना है, राग द्वेष है, साधना है, मंत्र शक्तियाँ हैं, गृहस्थ धर्म है, बेटियों का सौंदर्य है, सब कुछ इसमें समाहित है। एक ऐसा संपूर्ण साहित्य है आगम का जो प्रत्येक परिवार के उत्थान की एक यशोगाथा लिखता है। वह यशोगाथा आपके घर के अंदर भी लिखी जाए, लोगों को प्रेरणा भी दीजिएगा, संवाद की प्रतीक्षा भी करिएगा। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।